हैं इवन इवन के कराची के कराची निपास का काफ़ी जो है बहस भी जारी है सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं तो किस तरह देख रहे हैं आमिर का किस तरह आपने सामना करना है क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है आमिर को किस तरह फेस करना है काफ़ी फॉर्म के अंदर है अभी बीपीएल भी उन्होंने खेली है और लीग्स खेल रहे हैं तो काफ़ी स्पीड भी उन्होंने ग्रो कर लिया है तो क्या कहेंगे देखिए मैंने पहले भी बोला है कंपटीशन रहता है आप किसी भी टीम के अगेंस्ट आप खेलते हैं उनके पास हर टीम के पास क्वालिटी बॉलर्स हैं इवन के कराची के निपास इवन का हर टीम के पास अपने लोकल बॉ बॉर्स जो हैं वो क्वालिटी बॉलर्स हैं वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं इसलिए इस पी पी में सब आके खेलते हैं क्योंकि क्वालिटी चीज़ें मिलती हैं क्वालिटी बॉलिंग मिलती है क्वालिटी बैटिंग मिलती है तो उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है और जब भी किसी भी क्वालिटी बॉलर के अगेंस्ट आप खेलते हैं तो आप जिसना बाकी बॉलर्स के अगेंस्ट खेलता हूँ और वैसे ही हर बॉलर के अगेंस्ट कोशिश मेरा प्लान वही होता है जो मेरी बेसिक है जो मेरा चीज़ें हैं और उसको मैं लेके चलता हूँ और पाकिस्तान भारत नहीं, नहीं सर प्रेशर तो सर कोशिश करते हैं कि जितना सी चीज़ों को सिंपल रखें ओवरकम चीज़ों को सोचें तो ज़्यादा अच्छा है अंडर डेप बैट एंड बॉल का गेम होता है और उसमें कोशिश करता हूँ कि जो मेरी स्ट्रेंथ है या जो मैंने प्रैक्टिस की है उसको अप्लाई किया जाए बाबर इमरान से फ्रॉम लॉनिंग बाबर हम देख रहे हैं नेशनल स्टेडियम में चार पांच रोज से आप इतनी ट्रेनिंग करते हैं कि हम वीडियो बना के थक गए आप बैटिंग कर करके नहीं थक रहे इतनी बैटिंग कर रहे थे आप तो क्या वो आमिर को आ, जैसे आपने कहा कराची किंग्स के बॉलर नहीं खेले क्या उसके खिलाफ प्रिपरेशन थी और बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं इमाद आमिर आपके हवाले से तो क्या आपके दिलों में तो ऐसी कोई बात नहीं कोई मुलाकात वगैरह हुई है आपकी होटल में या फिर ग्राउंड में उन लोगों से नहीं ऐसे कुछ बात नहीं है जहाँ तक प्रैक्टिस की बात प्रैक्टिस तो मैं इससे ज़्यादा करता हूँ आपको आपको मेरे साथ कब मिला होगा टाइम <laughs> कब मिला होगा कैच <laughs> करने के लिए आ, लेकिन आ, देखें ये मेरी एक कहते हैं रूटीन है ये अगर मैं ये रूटीन आ, दिन में पूरी ना करूँ तो मेरा दिन गुजरता नहीं है कोशिश यही होती है कि मैं अपने आप को सेटिसफाई करूं मुझे लोगों को सेटिसफाई करने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं सेटिसफाई हूँगा तो मैं अच्छी परफॉर्म कर सकूँगा तो मुझे हमेशा ये होता है कि मैं अपने आप को आ, उतना प्रिपेयर करूं कि मुझे अंदर जाके प्रॉब्लम ना हो डिफरेंट प्रैक्टिस करता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं सिनेरियो व जैसा प्रैक्टिस करूं आ, हर चीज़ यानी कि मैं सिर्फ बैटिंग मैं अपनी फिटनेस पे भी काम करता हूं फील्डिंग में भी काम करता हूं जहां पे भी मैं कोशिश करता हूं कि ग्राउंड में काम बैठा जाए क्योंकि ग्राउंड में काम करने आते हैं और काम करके उसके बाद फिर होटल में आप रिलैक्स करते हैं तो कोशिश ये होती है कि जितना इस चीज़ को यूटिलाइज किया जाए ग्राउंड में जो टाइम मिला है क्योंकि टाइम भी कम मिलता है क्योंकि मोमेंट्स की वजह से हमें टाइम कम मिलता है तो उसको हम जितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो मैं करता हूँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और चीज़ें ये चलती हैं देखें मैंने पहले भी बोला ये चीज़ें चलेंगी तो यही खूबसूरती है पी इसी से चलती है क्योंकि हर प्लेयर हर जो है लड़का वो परफॉर्म करने का उनका एक एम होता है कि हम अपनी टीम के लिए परफॉर्म करें और जिस तरह यानी कि कराची के अगेंस्ट इवन के इस्लामाबाद के अगेंस्ट मुल्तान के अगेंस्ट लाहौर के अगेंस्ट हमेशा टफ़ मैचेज़ होते हैं और टफ वो लग के मैच खेलते हैं कि यार मैंने इसको आउट करना मैंने इसके अगेंस्ट रन करने हैं तो ये ये चीज़ें चलती है इसलिए पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह इतनी अच्छी परफार्मेंस कर रही है When the day...